दोस्तों नमस्कार। राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर लेके आए हैं। तो दोस्तों ध्यान से आप एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, साथ साथ आपको अपना स्कोर जरूर से काउंट करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो चलो दोस्तों मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। यहाँ पे अपना स्कोर काउंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ठीक है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने, फैरड किसकी मात्रात्मक इकाई है, धारिता की, प्रेरण की, प्रतिरोध की या चालकता की? तो जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फैरड किसकी मात्रात्मक इकाई है। दोस्तों राइट आंसर आपका यहां पे आएगा ए, धारिता की है। फैरड है धारिता की मात्रात्मक इकाई है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए खास इन्फॉर्मेशन, अगर आप अनअकैडमी पर एसएससी या रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैक्ट में पार्टिसिपेट करके आप बहुत सारे रिवार्ड जीत सकते हैं। अगर दोस्तों आप यहां पे इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, SJL 2021 कोड यूज करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप इसमें पहली रैंक पे आते हैं तो आपको डेल का लैपटॉप मिलेगा, सेकंड रैंक वाले विद्यार्थी को सैमसंग का मोबाइल, और आप देख सकते हैं काफी सारे रिवार्ड्स आपको यहां पे इसमें दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहां पे इसमें 24 अप्रैल आपका 12 बजे आपका टेस्ट होने जा रहा है। इसमें क्या क्या सिलेबस होगा, तो 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें इनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी आपको इसमें इनरोल कर लेना है और फिर 24 अप्रैल को जो आपका टेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन से आप यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर जो हमारी प्रोफाइल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप फॉलो कर लीजिए। साथ ही दोस्तों यहां पर आपके लिए डेली बिल्कुल फ्री स्पेशल क्लासेस रही है जिनके जरिए फ्री में आप अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो जो कल सुबह 10 बजे क्लास है रीजनिंग की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे उसमें एनरोल करके क्लास है वो बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे। दोस्तों यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रतिरोध की मात्रात्मक इकाई क्या है। दोस्तों प्रतिरोध की मात्रात्मक इकाई क्या है, वर्ग वोल्ट एंपियर, वोल्ट प्रति एंपियर, एंपियर प्रति वोल्ट या फिर वोल्ट एंपियर? तो प्रतिरोध की मात्रात्मक इकाई क्या है? दोस्तों राइट आंसर आपका जल्दी से बता सकते हैं, आंसर आएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, चुंबकीय फ्लक्स की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है। तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है, वेबर वेबर प्रति मीटर, वेबर प्रति वर्ग मीटर या फिर वेबर वर्ग मीटर? चुंबकीय फ्लक्स की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? दोस्तों राइट आंसर आपका आएगा यहां पे ए, ठीक है, वेबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक राशि धारिता की मात्रात्मक इकाई क्या है। तो दोस्तों धारिता की मात्रात्मक इकाई पूछी गई है, जल्दी आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। आंसर दोस्तों आएगा डी, फैरड है, ठीक है, धारिता की मात्रात्मक इकाई है फैरड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिबाध की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। तो दोस्तों इसकी राइट आंसर आप जल्दी से बता सकते हैं, विद्युत प्रतिबाध की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है, ओम, हेनरी, टेस्ला या फिर हर्ट्ज? ठीक है, राइट आंसर आएगा दोस्तों ए, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक रूप से बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट? रासायनिक रूप से बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों राइट आंसर आएगा बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आरएच कारक अपना नाम प्राप्त करता है, ठीक है, आरएच कारक अपना नाम प्राप्त करता है, चमगादड़ बैट, रिसस बंदर, राइनो या फिर चूहा? राइट आंसर दोस्तों आपका आएगा यहां पर बी, रिसस बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सापेक्षित घनत्व की मात्रात्मक इकाई क्या है। तो आप जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही अपना स्कोर जरूर से काउंट करते रहें। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। दोस्तों राइट आंसर आएगा डी, कोई इकाई नहीं है, ठीक है, सापेक्षित घनत्व की मात्रात्मक इकाई क्या है, तो कोई इकाई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक किसकी इकाई है। दोस्तों पारसेक किसकी इकाई है, जल्दी आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तारों के घनत्व की, खगोलीय दूरी की, भारी वस्तुओं की चमक की या फिर दानव तारे के कक्षीय वेग की?
तो पारसे किसका इकाई है? राइट आंसर आएगा बी, खगोलीय दूरी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभि के त्रिज्या की सर्वाधिक सही इकाई क्या है? तो नाभि के त्रिज्या की सर्वाधिक सही इकाई है मैक्रन, नैनोमीटर, फर्मी या फिर एगस्ट्रॉन। राइट आंसर दोस्तों आएगा सी, फर्मी है। नाभिक के त्रिज्या की सर्वाधिक सही इकाई है फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता की ऐसा इकाई क्या है? तो दोस्तों लेंस की क्षमता को किसमें मापा जाता है? आंसर आएगा बी, डायोप्टर में। ठीक है, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, ज्योति के लिए एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों ज्योति के लिए एसआई इकाई कौन सी है? आंसर आएगा बी, लक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, चुंबक के प्रवाह घनत्व की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों चुंबक के प्रवाह घनत्व की एसआई इकाई क्या है? आंसर आएगा बी, टेस्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 26, 36, 46 या फिर 60? आंसर दोस्तों आपका आएगा सी, 46% है। ठीक है, यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मार्स गैस के रूप में भी जाने वाली गैस है? तो दोस्तों मार्स गैस के रूप में जाने जाने वाली गैस कौन सी है? आंसर आएगा ए, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव गैस का मुख्य घटक है? तो इनमें से जैव गैस का मुख्य घटक कौन सा है? जल्दी आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। आंसर आएगा दोस्तों इसका ए, मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो दोस्तों इनमें से प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? आंसर आएगा ए, मीथेन है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी के मुख्य घटक कौन से हैं? तो जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही दोस्तों अपना स्कोर जरूर से काउंट करते रहें। तो एलपीजी के मुख्य घटक कौन से हैं? आंसर आएगा सी, मीथेन, प्रोपेन और फिर ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड को इस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड का दूसरा नाम कौन सा है, अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड को और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर दोस्तों आप जल्दी से बता सकते हैं, आंसर आपका आएगा सी, पायरिन। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40% फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय घोल को क्या कहा जाता है? एथिलीन, एसिटिलीन, पेरिन या फिर फॉर्मलीन? दोस्तों राइट आंसर आपका यहां पे आ जाएगा डी, फॉर्मलीन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है दोस्तों, शुष्क बर्फ है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? आंसर आएगा सी, क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरो एसिटोफिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है बी, जॉन डाल्टन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? कोशी के संरचना का, आंख का, नाक का या अस्थियों का? आंसर आएगा इसका डी, अस्थियों का। ऑस्टियोलॉजी है, अस्थियों के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है? तो दोस्तों आंसर आप जल्दी से बता सकते हैं, आंसर आएगा ए, क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह स्थित होता है? तो क्षुद्र ग्रह इनमें से कहां स्थित होता है? आंसर आएगा बी, मंगल व बृहस्पति के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों किसी भी पेड़ में प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? आंसर आएगा ए, जल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है दूध। ठीक है, राइट आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा रोग है
वो जीवाणु के कारण होता है। आंसर है डी, टीबी होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का वजन किस केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? चुंबकत्व, गुरुत्वाकर्षण, घूर्णन या इनमें से कोई नहीं। तो किसी पिंड का वजन है वो किस केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? आंसर आएगा दोस्तों बी, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखिए मॉक टेस्ट के 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। अब एक बार अपना स्कोर काउंट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में सभी अपना स्कोर बताओ। अगर दोस्तों आपका स्कोर यहां पे 20 या 25 नंबर से अधिक है, इसका मतलब आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है। लेकिन अगर आपका स्कोर कम है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, अभी आपके पास काफी समय है, आप अपना स्कोर इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगर आप डेली यहां पे मॉक टेस्ट देते हैं चैनल के ऊपर, तो आपका धीरे धीरे स्कोर है बढ़ता चला जाएगा और आपकी तैयारी भी एकदम जबरदस्त हो जाएगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर से कर देना, और देखिए जिनको भी यहां पे स्कोर अच्छा आया है उन सभी को बधाई हो, और जिनका स्कोर कम है वो कोशिश करें कि धीरे धीरे आप अपना स्कोर डेली थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करते जाएं। और आपको डेली दोस्तों अब आपको 5 से 6 घंटे तो कम से कम पढ़ना ही है, क्योंकि अब आपके एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक आ रही है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मॉक टेस्ट अच्छा लगा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू। साथ ही दोस्तों यहां पर अनअकैडमी के ऊपर अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैक टेस्ट में 24 अप्रैल 2022 को पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसमें काफी सारे रिवार्ड्स आप यहां पे जीत सकते हैं अगर आप अच्छी रैंक लेके आते हैं। तो इनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहां पे आपको 24 अप्रैल से पहले इसमें इनरोल कर लेना है और कोड यूज करना है SJL 2021। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।